लिए दो बुरी खबरें हैं भवानी। एक, एसीपी साहब बच गए, और दूसरी, अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जिसकी वजह से तुम्हारे साहब जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब, आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है मैं? तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो मिसेस डेविड, पहले बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है, तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। ए, तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, दो बार नाश्ता करता होता, और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था, इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था, बांगड़ा फ्राई लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तू? तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाहिए। अच्छा आज हम तुमको एक बात बताएंगे कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस के लिए बस पकड़ता होता उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो, लेकिन अपन काय को बोलेंगे, पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम, एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारे बाजू में खड़ा हो गया, हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन, उसने आगे देखा ना पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा, और ये देखो इसका पीछू में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होएगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापर ना बेस्ट है, फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा। चाय मिलाओ चाचा।
ये लो बेटा। Thank you.
भाभी वो अजय ने। अच्छा तो अब नौबत तोहफों के लेन देन तक पहुंची है। नहीं भाभी। कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है कलमुही, बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जाके तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून। बेहया निलज कहीं की शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तो उसके मुंह पे मार क्या। मैं आपका तोहफा लौटाने आई हूं। क्यों, क्या इतना आके कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूं? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूं। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूं सुधा कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते मैं उसके काबिल नहीं हूं, और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जज्बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी। कि मैं एक विधवा हूं।